विशाल अफ्रीकी सवाने के दिल में एक गर्व से भरपूर शेरों की गर्जन सुनाई देती थी। उनमें से एक था कितो, एक युवा और साहसी शेर का बच्चा जिसमें जिज्ञासा और उत्साह से भरपूर था। कितो के पिता मुफारो प्राइड के नेता और अपने परिवार और जमीन की सख्त रक्षक थे। एक अपराधी शेर जिसका नाम जालिकी था अपनी सेना के साथ शक्ति और सत्ता बढ़ा रहा था। मुफारो के प्राइड के खिलाफ शक्ति और प्रतिशोध की प्यास से प्रेरित होकर जालिकी के पास उसके चारों ओर एक असभ्य प्राणी की तरह का माहौल था। उसकी आंखें अंधकारी आग के साथ चमकती थीं। एक पूरे चांद की रात जब तारे आसमान में चमक रहे थे, जालिकी और उसके अपराधी शेरों ने प्राइड के खिलाफ हमला किया। शांत रात को लड़ाई और तबादले की गर्जन से उसकी शांति तोड़ दी गई और जंगल के लड़ाकू धड़कन से गूंज उठी। मुफारो और उसकी शेरनियों ने बहादुरी से लड़ा, लेकिन अपराधी शेर अनदेखे और निर्दय थे। हाथापाई के बीच चैया में कितो की साहसिकता कायम रही। वह अपने माता पिता के साथ लड़ाई लड़ रहा था, अपने परिवार और धरती की रक्षा करने का आशय लेकर। एक शक्तिशाली गर्जने से कितो ने जालिकी की पीठ पर कूदा, दांत उबालकर। जालिकी की असाधारण हंसी रात को उसके सामने आने पर उसे बिना किसी परेशानी के बहकाया। जबकि चोट खाने के बावजूद कितो ने एक शेरनी की रक्षा करते समय चोट खाई, लेकिन उसका आत्मसमर्पण और भी बढ़ गया। मुफारो उसकी शेरनियों की लड़ाई की बीच में एक निष्कलंक लड़ाई शुरू होती है। मुफारो जालिकी की लड़ाई के बीच उनकी ताकत और सहनशीलता होती है। मुफारो का साहस प्रमुख होता है, लेकिन जालिकी की डार्क मैजिक उसे अद्वितीयता प्रदान करता है। जब मुफारो गिरते हैं, कितो का शोक क्रोध और शक्ति में बदलता है। कितो एक अनजान और रहस्यमय ऊर्जा में तप करता है। उसकी आंखें एक अजीब प्रकार की दिव्य रोशनी से चमकती हैं। नई पाई शक्ति के साथ कितो फिर से जालिकी के खिलाफ उतरता है। उनके बीच की टक्कर उनके शक्तियों की उत्पन्न होने से तड़पने लगती है। एक बड़ी लड़ाई खुदाई जाती है कितो और जालिकी के बीच में उनकी असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए। सवाना की दृश्य विचायता को बताएं, जब उनकी शक्तियों की टक्कर से प्रकाश और अंधकार की बौछार होती है। कितो की निरंतरता और बढ़ती हुई शक्ति से जालिकी की डार्क मैजिक की कमजोरी होती दिखाई देती है। फिनाले के रूप में कितो का आखिरी हमला जालिकी के साथ लगता है और उनके बीच से प्रकाश का बुरस्त उत्पन्न होता है। जालिकी की डार्क ऊर्जा फैल जाती है और वह अंतिम चीख के साथ एक विकल गर्जन करता है और फिर विलीनता के बिना गायब हो जाता है। अंतिम खात्म होते ही छोड़े गए अपराधी शेर नेता के बिना रात में भाग जाते हैं। जब तारों भरे आसमान में बिखरी ध्वनियां दिखाई देती हैं, तो सवाना पर सवेरा ब्रेक होता है। स्वर्ण और गुलाबी रंगों से आसमान को रंगने वाला।